नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी के एडकमेंट प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों, अगला वीडियो जो है हमारी मिल्क की सीरीज़ में, अगला वीडियो हमारा आता है 2D पॉकेट का। तो पहला वीडियो आपने देखा होगा 2D कंटूर के लिए, तो अगला वीडियो हमारे पास 2D पॉकेट का है। तो पॉकेट में जैसे देखो, आपके देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक जो है स्टॉक तैयार करके रखा हुआ है, और यहाँ पर एक इस तरह की पॉकेट भी जो है वो हम काटेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से आपके सामने होता है एक ऑप्शन, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं, और यहाँ से सारे ऑपरेशन जो है वो डिलीट हो जाएंगे। जितने भी ऑपरेशन थे आपके सामने वो सारे डिलीट हो सकते हैं, और मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपको बनाना ईजी है। दो बॉक्स बनाने हैं, 100x78 का ये बॉक्स था, उसके अंदर एक पॉकेट मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे जाएंगे हम टूल सेटअप में, यहाँ पे जो भी नंबर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और यहाँ पे असाइन टूल नंबर और डुप्लीकेट टूल के लिए वार्निंग ऑन कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट कॉर्नर्स भी आप दे सकते हैं, यहाँ से मैंने कॉर्नर लिया और यहाँ पे दे दिया, और साथ में मुझे देनी पड़ेगी जेड। अब जेड में मेरा कितना है, 25 सपोज, 25 यहाँ पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम ऑल एंटिटीज के जरिए भी इसको ओके कर सकते हैं, तो ओके कर दूंगा मैं। यहाँ पे मेरे पास टूल पाथ के लिए जनरेशन आ जाएगी। टूल पाथ पे हम जाएंगे और साथ में हम चूज करेंगे डायनेमिक की जगह पे 2D पॉकेट। अब 2D पॉकेट जो है उसके अंदर आपको पॉकेट का साइज, पॉकेट के लिए आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा, चेन यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसमें हमने चूज़ करा है। उसके बाद से हम आगे क्या करेंगे, टूल पाथ टूल यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं टूल ले लेता हूँ, फिल्टर करते हैं। यहाँ पे आप डाया दे दीजिए, जैसे 10 mm का मैंने डाया ले लिया है, ओके 8 mm का ले लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एंड मिल, जितना भी एंड मिल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, सेलेक्ट हो गया है। होल्डर आपको देना है, आप दे सकते हैं जो भी होल्डर आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो जैसे कि 2D पॉकेट कंटूर में आपने देखा था, उस तरह से यहाँ पे भी 2D पॉकेट जो है वो आपको दिखेंगे। अब 2D पॉकेट में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने कॉर्नर पे रोल करना है या नहीं करना है। उसके बाद स्टॉक कोई अगर लीव करना है तो आप बता सकते हो इसमें। उसके बाद रफिंग के अंदर आप कौन सा पाथ यूज़ करना चाहते हो वो आप बता सकते हो। यहाँ पे हाई स्पीड मैंने यूज़ करा हुआ है। स्टेप ओवर आप बता सकते हो कि बाहर की साइड को, जब टूल जो है एक कट करने के बाद बाहर की साइड को जो स्टेप लेगा तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे कितना है, 50% ऑफ टूल चेन। तो टूल का जो हमारा रेडियस था वो था 4 mm का, तो ये डाया में चलता है, तो इसमें क्या आएगा, 4 mm का डाया में ये शिफ्ट लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन है कि इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, ये हम करके दिखाएंगे आपको। एंट्री मोशन कैसी चाहिए आपको, हेलिक्स चाहिए, ज़्यादातर लोग हेलिक्स ही यूज़ करते हैं इसमें। रैम भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेलिक्स जो रहता है वो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। फिनिशिंग इसमें आप देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज मैं बंद करता हूँ अभी फिलहाल। डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे वैल्यूज़ हम दे देंगे, 1 mm की दे देता हूँ मैं। उसके बाद लिंकिंग पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक तो हमारा 0 ही है। डेप्थ जो है यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट में देनी पड़ेगी, तो एब्सोल्यूट में मैं डेप्थ जो है वो दे देता हूँ। जितना भी mm आप काटना चाहते हो इसमें वो आप यहाँ से दे सकते हो। मैंने 10 mm दे दिया है, -10 देना पड़ेगा एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये बन जाएगा। अब इसी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ कि लिंकिंग पैरामीटर, डेप्थ ऑफ कट में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कीप टूल डाउन का। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा टूल जो है वो बीच में एक अद्धी बार में ऊपर बीच आ रहा है, बट इसमें ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, तो इसका कोई खास फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। देखिए, तो एक बार तो वो लास्ट में ऊपर जाएगा ही, वही वाला इसने दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं इसमें, फिनिशिंग जो है वो फिनिशिंग के पासेज आप इसमें बढ़ा सकते हो अगर आपको यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो कितने पासेज आप फिनिशिंग के चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंट्री मोशन में हेलिक्स था, इसके अंदर आप मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं इसमें कम कर सकता हूँ यहाँ पे 20, और
यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो उससे वो थोड़ा छोटी रेडियस में अंदर जाएगा या कम होगा, ठीक है 20 और 50%। उसके बाद रफिंग में अब यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ, तो जब हम इसको चला के देखेंगे, ये देखिए बाहर के साइड को कर रहा है, ठीक है वहां से उठने की बजाय वो क्या कर रहा है कि वहीं से वो डेप्थ ले ले रहा है। इसी में इसको करेंगे तो अंदर से बाहर की साइड जाएगा। लीड इन लीड आउट का ऑप्शन है, वो आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये आपको ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। यूज एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी बता सकते हो, कहाँ से एंट्री करे और कहाँ से एग्जिट करे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो इनको अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो इस तरह से भी है आपका पॉकेट का काम जो है वो यहाँ से हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार काट के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके करेंगे, हमने मटेरियल छोड़ा हुआ था तो वो मटेरियल उसने वहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारी पॉकेट जो है वो काम करती है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आप यहाँ से कट पैटर्न जो है वो यूज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द पार्ट आप चूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पॉकेट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 2D पॉकेट का जो है वो ऑपरेशन इस तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 2D पॉकेट के बाद में हमारे पास, अब देखिए इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आपके 2D पॉकेट है तो एक तरह का एक और, अगर इसमें सर्कुलर है तो आपके पास यहाँ पे सर्कल मिल करके भी एक ऑप्शन है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसमें इस पॉकेट को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये ऑपरेशन, और यहाँ पे एक सर्कल लगा के देखते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको यूज करेंगे। ओके, तो टूल पाथ में जाएंगे अब हम, और यहाँ पे सर्कल मिल चूज करेंगे, इसके अंदर आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा आर्क, तो मैंने ये चूज कर लिया है। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। अब देखिए देखिए यहाँ पे सर्कल मिल ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, टूल हमारे पास है यही वाला यूज कर रहे हैं हम, होल्डर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। कट पैरामीटर में यहाँ पे भी कंपनसेशन वगैरह आपको देनी पड़ेगी, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं कंपनसेशन तो यहाँ से ऑफ भी हो जाएगी, अदरवाइज आप लेफ्ट या राइट जिस साइड भी चलाना चाहते हैं उस साइड आपको चला सकते हैं। रफिंग में आपको यहाँ पे स्टेप ओवर देना पड़ेगा, हेलिकल एंट्री है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांजिशन में भी अलग अलग पैटर्न दे सकते हो, जैसे कि अभी स्टार्ट हो रहा है सीधा जा रहा है, हाई स्पीड एंट्री ऐसी रहेगी और विदाउट हाई स्पीड वो सीधा जाएगा, तो इस तरह से आप एंगल जो है वहाँ पे दे सकते हो। डेप्थ ऑफ कट 2 mm दे दिया है मैंने, ब्रेक थ्रू तो नहीं करना है। और उसके बाद में टूल एक्सिस का कंट्रोल, 3 axis ही है हमारे पास, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पे एब्सोल्यूट बस यहाँ पे वैल्यू दे देंगे -10 की, और इसको कर देता हूँ मैं ओके। अब इसमें जो पैटर्न रहेगा हमारा यही स्पाइरल पैटर्न ही रहेगा, तो इस तरह की जो पॉकेट होगी वो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कल मिल का भी ऑपरेशन इस तरह के पॉकेट में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर सर्कुलर पॉकेट आपके पास है तो, अगर दूसरी तरह की पॉकेट है तब आपका ये सर्कल मिल उसमें नहीं चलेगा। ये यह देखिए यहाँ पे सर्कल मिल है और पॉकेट के अंदर आप भी यूज़ कर सकते हो, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के और भी वीडियो हमारे इसमें सेक्शन में आते रहेंगे, तो आप इनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और NX के ऊपर भी हम वीडियोस बना रहे हैं।
वो प्रोसेस में है, वो वाली सीरीज भी हमारे साथ में चलती रहेगी। तो एनएक्स के वीडियोस के लिए भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।